तू दस तू किवें आ? एक सेकंड पूरा तेनू कहने टिके बैठ नहीं बैठ उधर जा कमरे जा के खेल उथे जा हाँ हेलो हाँ तू की कह रही सी ओ कुछ नहीं बस बच्चा जिवें हाँ हाँ तेनू तो घूमना फिरना वैसे ही बहुत पसंद है। अच्छा तू चंडीगढ़ आई हुई है चल गुड या नहीं कुछ नहीं मैं तो बस घरे आराम करती पी सी नौकरी तो मैं कद दी छड़ती है हुण अमीर बंदे नाल व्याह किता है तो फिर माड़ा मोटा तो अपना ख्याल रखना ही पैंदा इन्नी को तो ऐश चाहीदी है हाँ हाँ कोई गल नहीं ओ यार तू आर्ट सेक्टर है तो मैं भी बस नेड़े ही हाँ बस थोड़ी देर च पहुंच जानी हूँ आज दी ट्रीट मेरे वालों चल बाय वैसे अद्धे पौने घंटे की गल ही है इन्नी कु देर तक तो अपने खिलौने ना खेल ही सकता है मैं जानी हूँ अब अपने फुटवेयर चेंज करना चल सिंपल ओह यस यू नो मेरी क्वालिफिकेशन ना एना दी रिक्वायरमेंट तो भी हाई नहीं इन्ने प्लस पॉइंट ने ना मेरे जॉब तो श्योरली मैनु ही मिलनी है इंटरव्यू तो फॉरमैलिटी ने बस शिवम जी ने पता नहीं किस चक्कर च फसा दिता है मैनु लगता है मैनु इत्थों निकल ही जाना चाहिए आज तो बाद तेरा मेरा रिश्ता खत्म इस घर तो बाहर निकल अरमान मैनु माफ कर दो मैं कहा ना सवेरे मैनु नजर नहीं आनी चाहिए मैनु माफ कर अरमान ਨਾਲੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ अपनी सोहनी सुनखी सिंपल ना रहण दा मन करदा लाइफ दा तेरे वर्गी सोहनी कुड़ी ना कट्टण दा मजा आंदा जेड़ी मेरे वर्गा लाइफस्टाइल जींदी होवे सोहनी होवे मॉडर्न होवे गुड लुकिंग तेरे वर्गी होवे सिंपल तू कुछ बोलती क्यों नहीं मैं तेनू किन्नी देर आई लव यू कही जाना तू मेनू आई लव यू तू तो कह दे प्लीज
मैनू यह इंटरव्यू किसी भी हाल च देना ही पौ। डोंट वेस्ट योर टाइम, जॉब तो समझो मैनू मिलनी है। जसप्रीत कौर। हाँ जी। आप जाइए। नो चांस बेबी, फिर भी ऑल द बेस्ट। मैं अंदर आ जाऊं? प्लीज बैठिए। प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। फाइल दोगे मैं? हाँ जी। तुसी कदी कोई जॉब नहीं कीती? नहीं, नौकरी तो पहला नहीं कीती, पर मैं सारा कुछ सीखने लिए तैयार हाँ। सीखने वास्ते भी बेसिक क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है? सर हैगी तो है, बेसिक क्वालिफिकेशन। प्लस टू हूँ बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं रही। इंजीनियर तो MBA बाहर बैठे ने, उन्हें अगे तो तुम बिल्कुल अनपढ़ो, तो तुहाडे वर्गे तो उन्हें सामने गल भी नहीं कर सकते। है वर्सो नेम? देशो। मेरा मतलब है देशप्रीत कौर। देशप्रीत कौर, की सोच के आए थी तुम इतने? ये जॉब तुहानू मिल जाएगी, पर्सनैलिटी वेखी अपनी। सर थानू तो अपनी कंपनी च मेहनत करने वाले लोगों की लोड़ है ना, तो मैं मेहनत करने को तैयार हाँ। नाले किसी नू पहली बारी वेख के तुसी उन्हां दी पर्सनैलिटी का अंदाजा नहीं लगा सकते, अंदाजा गलत भी हो सकता है। मनिया बेसिक क्वालिफिकेशन है नहीं मेरे कोल, पर घर संभालन का तजर्बा है। हर रोज एक नवी चुनौती, ते हर चुनौती नू मैं खिड़े मत्थे सर कीता। MBA ते इंजीनियर मेरे तो वखरा की कर लेंगे, ते जे कर भी लेंगे तो मैं सब कुछ सीखने नू तैयार हाँ। देखो गल नू पर्सनली लैण दी जरूरत नहीं है। नहीं सर, मैं कोई भी गल पर्सनली नहीं लै रही, पर जो पता है कि आ नौकरी मैनू मिलनी ही नहीं, तो मैं थोड़ा होर टाइम नहीं खराब करना चाहती। मैं थोड़ा धन्यवाद करती हाँ कि तुसी मैनू घट्टो घट मौका तो दिता इंटरव्यू देने का। मेरी फाइल दे दो प्लीज। थैंक यू सर। प्लस टू हूँ बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं रही। इंजीनियर तो MBA बाहर बैठे ने, उन्हें अगे तो तुम बिल्कुल अनपढ़ो। रोशनी शर्मा। यस मैम।
एक तो पूरब भी फोन नहीं चुक रहा, सब ठीक हो गए। नवी मम्मी लगता प्रेस चलती छड़ गई यार, हूं मैं की करा भग जाता। यार एक कप चाह और पिला दे यार, निका जा ता कप चार घोटे ते चाह मुक जांदी नी। दिहाड़ी दी 7-8 बार तुसी चाह पी चुके, तुहाड़े लई छोटे कप ही ठीक है। ना हुण तैनू मेरी चाह तों तकलीफ होण लग पई। चाह तों मैनू तकलीफ नहीं है, डॉक्टर तंग ने तुहाड़ी चाह तों। हुण तूं देख, मैनू लगदा देशो पुत आ गई है। तू आ गई, बड़ी थकी थकी लगती है। बस बीजी थकावट हो ही जाती है। तू बैठ, मैं तेरे लिए ना हमने तेज पत्ती वाली चाय लेके आनी, तेरी सारी थकावट उतर जाओ। नहीं नहीं बीजी, तुसी रहन दो। ओ देशो बहुत पीला कप चाह, और तेरे बहाने मेनू भी मिल जूगी। तुसी तो हुणे एक चाह पी के कप मेज ते रख्या। ओ चल अद्धा कप ही बना दे, हुण देशो बहुत कली पिंदी चंगी थोड़ी ना लगदी है। बैठ देशो, मैं तेरे लिए चाय लेके आवां, बैठ। देशो पुत आ बैठ जा मेरे को। और देशो पुत दस, तेरी इंटरव्यू किदा रही? देशप्रीत कौर की सोच के आए थे तुसी इत्थे कि ये जॉब तुहानू मिल जाएगी? पर्सनैलिटी वेखी अपनी। इंटरव्यू दा तां मैनू पहला ही पता सी, मेरा कुछ नहीं बनना। कोई इदां नहीं कहीदा पुत, चल कोई गल नहीं, दिल ते ना गल। सच्ची दा क्या मैं अंकल जी, मैं केड़ा बहुती पढ़ी लिखी हाँ। वो तो शिवम ही नहीं हटिया, वरना मैं तो जाना ही नहीं चाहती सी इंटरव्यू ते, ऐवें समा खराब किया। तो चल कोई ना पुत, छड़ परा। ओ ले तेरी चाह आ गई, चाह पी। की गल हो गई, तुसी दोनों जने बड़े गंभीर होके बैठे हो। ओ कुछ नहीं, ओ देशो इंटरव्यू वाले कह रही है ऐ भी मन खराब करी बैठी है, कहती कि मेरी इंटरव्यू चंगी नहीं हुई। ताकि हो यार, पहली बारी थोड़ी ना किसी ने नौकरी मिल जाती है, फिर मिल जूगी। चाह पी तू, बिस्कुट खा ना ले। एक कोई कप भी आंदा तुसी तो हुणे ही चाह पी के रखी, मेज ते कप तुहाडा ही पिया। चल छड, यही इन मैं समझा रहा सी। ओ ये तो बहादुर धी है मेरी, ये एवं अपना दिल थोड़ा करी बैठी है। पुत तेनू देख के तो सानू हौसला आंदा, तू ढह ढेरी होके बैठी है। ता की होया दिशो, तू केड़ा पहला कदी नौकरी कीती है, फिर भी तू हिम्मत करके इंटरव्यू देन तक गई है ना, यही बड़ी वड्डी गल है। नाले पोते गल छोटी थोड़ी है, ओ जिद्दां तू अरमान दे मामले च कीता ना, ये बहुत वड्डी गल है। मैं की कीता इहो जिहा? ओ दिशो जदों तुहानू पता होवे ना कि तुहाडा साथी तुहानू प्यार नहीं करदा, पर फिर भी ओहदी खुशी करके उहनू आजाद कर देना, इधरी बहुत वड्डा जिगरा चाहिदा है। पुत जे तेरी जगह कोई होर हुंदी ते कद दी हार मन गई हुंदी। साडी देशो तां पक्के पैरां ते खड़ी है, ये हाले भी ना अपने बारे नहीं सोचदी। होर की
कि तेनू हाले भी अरमान की फिक्र है। पुत उस कुड़ी पिछे लग के अपना नुकसान ना करवा लवी, अगे तेरा घर पड़ चुकी है। पर अंकल जी यह होगा किदा, मैनू अजे तक पता नहीं लग्या। तिशु तू तुरी जा, रास्ता आप ही लग जाना तेन। बस तू हार ना मनी, घट्टो घट अपने बच्चे वास्ते, जिवें कि तेन शिवम ने समझाया सी। हाँ जी अंकल जी, पूरब वास्ते तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पूरब हूँ मेरी जिम्मेवारी है, तो यह गल मैं चंगी तरह समझती हूँ। हाँ सच, थोनू पूरब का कोई फोन तो नहीं आया? तो मैं लगता वह सो गया, मैं तो आप फोन किया सी पर उन्हें चुकिया नहीं। मेरा भी नहीं चुकिया, अरमान नू फोन करके पूछ दिया पूरब का हाल। हाँ हाँ, मुंडे का तो तू पूछ ही सकती है उन्हें। अरमान ने तो फोन कट दिता। पूरब ठीक होवे। अंकल जी आप एक काम करिए, आप घर चल के पूरब नू वेख के आइए एक बार। हाँ पुत, चल चलिए। सो आपां इत्थे एक वड्डा बदलाव कीता, जिवें कि ओमकार सर ने कहा सी, इहदे नाल पर होल्डिंग दी कॉस्ट 30% घटेगी। 30% यार, मैं उस क्लाइंट नूं जानदा है, बड़ा ही कंजूस बंदा है वो तो 50% कहंदा सी। सर कटाउण 50% कर दिए, पर सीन की है, इहदी क्वालिटी लो हो जाएगी फिर कॉस्ट कटिंग दे नाल, फिर रोड ते लगणी होल्डिंग ते उहदे नाल फिर फिक्के पै जांदे। क्यों भी फिक्के नहीं पैंदे सर, फट भी जांदे आ। नहीं नहीं यार, असीं कंपनी दा नाम बर्बाद नहीं करना। नहीं मंदा क्लाइंट तो ना मने। सर मनूगा क्यों नहीं, तुसी आ वेखो, मैं रेडियो कैंपेन वाले नाल गल कर लिए ते डिस्काउंट पैकेज भी ले ले, ते इन्ना जिहड़ा क्लाइंट होएगा उहदी 50% कॉस्ट कटेगी, ते रेडियो कैंपेन दे नाल सीधा साढ़े 35% डिस्काउंट मिलेगा। हुण बड़ी ना गल, ओह नहीं जान दिंदा मैं ऑर्डर अपने हाथ तों। हैं बाकी पूरा कंटेंट है कि मैनूं दिखा जरा। भाई कर लिए डिस्कशन शुरू। सर एक मिनट, इंपॉर्टेंट मैसेज है। भाई अरोड़ा साहब, वो लैपटॉप मुद्दा मारी जाते हो, डिस्कशन नहीं करनी। सर जी वो कर रहे हैं जी एक्सप्लेन। हाँ हाँ,
एक्सप्लेन तो करन गई अज इन्ने दिन बाद दफ्तर का टाइम जो लग गया साहब जी फिर जरूरी काम ना हो कि अज भी जल्दी वापस तो नहीं जाना अज नहीं सर बस हो गया तो फिर करो एक्सप्लेन हाँ जी फिर ठीक है भाई नौकरी नु नौकरी समझ के कराया कर मर्जियां ना कराया करो यार एक कंपनी है कोई जगराता नहीं आओ मत्था टेको लंगर छको तो जाओ जी सर यार तेरे भले वास्ते ही कह रहे हैं समझ आ रही है तेनू बिल्कुल सर मैनू आ गया ते दसो ना रेडियो कंपेन ते होर्डिंग का कंटेंट की है क्लाइंट ने कल आंदे कहना मैनू मेरी मशहूरियां दिखाओ जी सर सर ए प्रपोज्ड ऐड होगी 15 सेकंड दी ते हर 20 मिनट दे बाद